असांग नाजी नाल देख रहे रेसपीज पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 8 इस टाइम चल रहा है। काफ़ी एक नेल बाइटिंग इनकाउंटर्स हो रहे हैं। लीग स्टेज के मैचेस अब दिन ब दिन अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा गेम से हटके बात करते हैं बिकॉज पाकिस्तान में देखें हॉरर मूवीज़ का कंसेप्ट इसके अंदर ज़्यादा तो है नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा हॉलीवुड में मोटिवेटेड मूवीज़ होती हैं। लेकिन मेरे कुछ फेलोज रिसेंटली एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं अल्टर के नाम से, तो उनके मेन एक्टर उमर फारूक भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिस्कस करते हैं उनकी इस सीरीज़ के रिलेटेड। कैसे भट्ट ठीक ठाक आपने सर? सबसे पहले तो बताएं जी आपके ये अल्टर का मतलब क्या है? अल्टर का मतलब कुर्बान गाह है, कुर्बान का वो जगह जहाँ पर कुर्बानियाँ दी जाती हैं। ठीक है। एंड देन आप इसका मकसद क्या है, आपको क्यों आप ये लॉन्च कर रहे हैं और क्या इसके मकसद है? मकसद पहले तो यही है कि हमने इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान में आ जाके आपको पता है वही सीबीटी कहानी है जी। वो सास बहू के झगड़े चल रहे हैं, प्यार मोहब्बतें हैं, दिल टूट रहे हैं, ये पुरानी चीज़ें वही बार बार देख रही है वहाँ। हम चाहते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान में ये स्टोरी है, ये लव रिलेटेड है, रोमांटिक रिलेटेड, एक्शन रिलेटेड है, हॉरर रिलेटेड है, थ्रिलर और हॉरर रिलेटेड है। इसमें कोई ये रोमांटिक वाला वाला सीन नहीं है, क्योंकि वो देख देख के वहाँ ने आगे अपने आप को कमजोर किया। ठीक है ठीक है। एंड देन आप अपनी कास्ट के रिलेटेड कुछ बताएं। कास्ट के रिलेटेड ये है कि उसमें लीडिंग करेक्टर जो था वो मेरा पेशेंट 34 का करेक्टर के नेम से है, पेशेंट 34। और एक तलहा कदीर है, उसका ब्लैक बिचर है, मोहसिन भट्ट साहब है, उनका समर सुल्तान है, अहमद है, ये कोई लीड कंपनी का ये आप समझ सकते हैं कि वो एजेंसी, जैसे कि पहले इंटरव्यू आ चुका समझा कि एजेंसी का एक एजेंट टाइप है, वो पॉसिबल करेक्टर है काफ़ी, आपने वो स्टार्टिंग से देखा होगा जब से गाँव से उन्होंने स्टार्ट किया। अहमद है, उसका नाम फिनिक्स है, उन्होंने शायदी के साथ स्टार्ट किया। और एक नादिर है, वो मतलब मेन करेक्टर में तो नहीं है लेकिन आप सर कह सकते हैं कि कास्ट में है। ठीक हो गया। एंड देन आपके साथ कोई वुमेंस भी हैं इस कास्ट में? इंशाल्लाह वुमेन होंगी, अभी तो फर्स्ट पार्ट जो है ना वो एपिसोड है जो फर्स्ट पार्ट का वो शूट हो चुका है, सेकंड पार्ट में जो था ना वो वुमेन के साथ उन्होंने किलिंग किया हुआ है वो लेंगे। ठीक है। देन आपने शूट का तस्करा किया तो शूट किस किस जगह किया? हाँ शूट हमने स्कर्दू किया डैम पर, ये मीरपुर में किया, इसके अलावा हाँ मुसलमानी वाली साइड के जंगलों वगैरह में गए, ये जो भी शॉट्स हमने ली साइड के पीर गली वाली साइड के जंगलों वगैरह में और स्कर्दू में भी हमने शूट किया। लेकिन क्या एक मुश्किलात पेश आई आपको इस पीरियड में? बहुत सारी मुश्किलात आई क्योंकि मुझे खासकर मेरा रोल इतना डिफिकल्ट था, मुझे इंजरीज आई। एक वो सीन है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 70 दफ़ा डायरेक्टर साहब ने मुझे गिराया, 70 दफ़ा गिराया। वो कहते हैं कि मुझे नेचुरल शॉट दो, मुझे सेटिस्फाई कर दो, लेकिन आप बताया ऐसा ज़माना सेटिस्फाई करना आसान तो नहीं है, वो कहते हैं बार बार रीटेक रीटेक। तो डायरेक्टर साहब अभी आपने जिक्र किया, कौन है आपके डायरेक्टर? उस्मान अली साहब हमारे डायरेक्टर हैं। तो ये पहले भी कोई काम वगैरह कर चुके हैं? हाँ, इन्होंने पहले सॉन्ग वगैरह शूट किए हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी इन्होंने पहले की हुई है, काफ़ी बुक्स भी इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है। एंड देन आपका क्या प्रोग्राम है कि आप कब तक इसको लॉन्च करेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है कि रमज़ान से पहले एपिसोड आ जाएगा। ठीक है। एंड देन आप मुस्तकबिल के रिलेटेड क्या है, क्योंकि देखिए आप मौसमी हालात भी बदले हैं, तो आप इसको कैसे टैकल ऑन करेंगे? क्योंकि कुछ शॉट्स जो आपने सर्दियों में लिए हैं तो ऑब्वियसली वो उस मौसम की मुनासबत से शॉट लिए गए होंगे। अब जैसे जो अब जैसे आपने डैम पे तस्करा किया, तो अब गर्मियां आ रही हैं तो कोई डैम वाला शॉट होता है तो इतना पॉसिबल नहीं है गर्मियों में डैम में, तो इसके लिए क्या आपकी प्लानिंग? वो जब नेक्स्ट पार्ट स्क्रिप्ट लिखी जाएगी ना तो क्या पता वो लोकेशन वगैरह चेंज कर दे। ठीक है। और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं आपको पता है पाकिस्तान में जहाँ पर 12 मंथ जो है बर्फ़ पड़ती रहती है, तो वो वहाँ पर बंदा शूट कर सकता है। ये तो फिर राइटर पर डिपेंड करता है वो कौन सी लोकेशन रहता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाब करे। बहुत अच्छा ट्रेलर आया था आपका, तो इंशाल्लाह जब इनकी लॉन्चिंग होगी तो तब उसकी भी पोस्ट आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बांध दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर।